भाइयों को मार देता है या गिरफ्तार करवा देता है, अपने फादर को गिरफ्तार करवा के जेल में डाल देता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक हुए हैं। तो आज इस वीडियो में ना हम अप्रोक्स 150 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। यस, आज हम इस वीडियो में 150 साल कंप्लीट करेंगे। और औरंगजेब के आने के बाद जो भी उसके बच्चे थे ना, बच्चे बच्चे के बच्चे, उन सबको कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं 1707 से 1857 तक। ठीक है, अप्रोक्स 150 इयर्स हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, और जो 118 ये जो है 1857 में जो क्रांति हुई थी, कितनी फेमस क्रांति है 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद से हम मानते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों का रूल हो गया। ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में सारी सत्ता चली गई, अंग्रेज जो थे वो यहाँ के मेन कर्ता धर्ता बन गए, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो जो 1857 के बाद का जो टाइम पीरियड है ना, उसको हम आधुनिक काल मानते हैं। ठीक है, जो 1857 के बाद का टाइम पीरियड है, 1857 से 1947 जब तक हमको आजादी मिली, वो ना हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो आज इस वीडियो के बाद जो है ना, हमारी मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, और देखो ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं होता कि मान लो हमने एक डेट डिसाइड कर ली कि 1857 से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट, तो उसी दिन से अंग्रेज इंडिया में आ गए, अंग्रेजों ने हर जगह अपना कब्जा कर लिया और हर जगह अंग्रेजी अंग्रेज हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अंग्रेजों ने ना भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमानी स्टार्ट करी थी। तो वो कब स्टार्ट हुई थी, वो इस टाइम पे ना स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा नहीं, अगर हम 1857 का टाइम पीरियड उसके बाद का पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अंग्रेज आए, अंग्रेज रूल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका रोल नहीं था। या फिर जब यहाँ पे ये जो इनका रोल चल रहा है, जो उत्तर मुगल शासक है या औरंगजेब है, यहाँ पे इनका रूल चल रहा है, तो यहाँ पे अंग्रेजों का भी कुछ अता पता नहीं था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इनका ये टाइम पीरियड चल रहा था ना औरंगजेब के बाद, तो देखो कोई बढ़िया सा रूलर आया नहीं, बढ़िया सा शासक, मजबूत, जिससे डरने वाला, लोगों को घंटा कोई डर था ही नहीं इन लोगों से। ठीक है, तो क्या हुआ था, इस वजह से अंग्रेज जो थे ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़े हो गए, मतलब बहुत ज्यादा फैल गए। अंग्रेज लोग ने यहाँ से धीरे धीरे आना शुरू करा था, वो धीरे धीरे फैल गए। तो यहाँ पे जो आज है हमारा मध्यकालीन भारत, वो खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के बाद हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत, मतलब आधुनिक भारत आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम जो आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे ना वो 1857 से ही करेंगे। नहीं, हम 1857 से पहले ये जो है ना, जिस टाइम पे हम ये पढ़ रहे हैं, हम इसका बेस बनाएंगे। पिछले 150 सालों को इनको भी पढ़ेंगे, बट इस टाइम पे अभी हम इन राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। उस टाइम पे अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज उस टाइम पे क्या कर रहे थे, अंग्रेज यहाँ पे कैसे आए, धीरे धीरे अंग्रेज कैसे बढ़े। तो मेरा मेन समरी ये है इतना सारा बकवास करने की, कि इस वीडियो में ना आज हम पढ़ रहे हैं बहादुर शाह जफर या औरंगजेब के बाद जो रूलर आए, उन सारे राजाओं को हम पढ़ देंगे जो भी औरंगजेब के बाद आए। उसके बाद मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के बाद हमने आधुनिक भारत स्टार्ट करना है। तो आधुनिक भारत स्टार्ट करने से पहले हमको वापस से ये 150 साल कवर करने पड़ेंगे, बट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंग्रेज, अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी करने पड़ेंगे कि वो उस टाइम पे क्या अमली कर रहे थे इंडिया में, वो भी हमें पता होना जरूरी है। तो लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो औरंगजेब होता है अपने फादर को सबको गिरफ्तार करवा के डाल देता है, और थोड़े बहुत ठीक ठीक ठाक ठाक काम करता है, और बढ़िया से सब चल रहा होता है, अच्छे से काम कर रहा होता है। और उस टाइम पे ना क्या होता है, जब औरंगजेब रूल कर रहा होता है ना, अंग्रेज लोग आने लग गए थे इंडिया में, अंग्रेज लोग आने लग गए थे, और बंगाल की साइड पे ना इन्होंने फैक्ट्री बनानी स्टार्ट कर दी थी, फैक्ट्री वगैरह बनाई थी उन्होंने। ठीक है, देखो औरंगजेब का टाइम पीरियड था 1707 तक, 1707 में वो मरा था, तो उससे पहले अंग्रेज ना लोग यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे थे, अपनी जड़ें जमानी स्टार्ट कर दी थे। तो औरंगजेब को पता चला कि भाई कुछ बाहर के लोग आए हैं अंग्रेज वगैरह, और वो हमसे टैक्स वगैरह दे रहे हैं थोड़ा बहुत, बट वो रूल कर रहे हैं। तो औरंगजेब को चढ़ी पिनक, वाह मैं यहाँ का रूलर हूँ, मैं राजा हूँ, जनता मुझे टैक्स दे, तुम मुझे टैक्स दे रहे हो, बाहर से आके यहाँ पे व्यापार कर रहे हो, तुम क्या हमारी जगह लेना चाहते हो। तो औरंगजेब ने क्या करा था, वो जो अंग्रेज थे उन लोगों को खदेड़ के बाहर कर दिया था। ठीक है, मतलब उस टाइम पे जो औरंगजेब था उसने अंग्रेजों की इतनी बुरी हालत करी थी, इतनी बुरी तरीके से इंडिया को वापस भगाया था। ये बात है 1670-80 के आसपास की, जब अंग्रेज सोच रहे थे कि यार कुछ तो दे दे, कुछ तो हमें यहाँ पे व्यापार करने दे, अरे थोड़ी सी जगह यहाँ पे दे दे, लीज पर बेसिकली वो जगह मांगते फिर रहे थे तब। तो उस टाइम पे औरंगजेब को कहीं से पता चला ये ऐसे आने की ट्राई कर रहे हैं, उसने ना इनको इतना बुरी तरीके से खदेड़ के बाहर करा इंडिया से। तो जब तक यहाँ पे औरंगजेब का रूल था इंडिया में, जब तक औरंगजेब का रूल था, अंग्रेजों की बस की नहीं थी कि इंडिया में आ जाए। ठीक है, इंडिया में आने से वो डरते थे, क्योंकि अंग्रेज का ना औरंगजेब का सो कॉल्ड नाम चलता था, औरंगजेब है, औरंगजेब यहाँ का राजा है, तो बहुत सारे लोगों को हवा था, उसका बहुत डर था
अब वो ऐसा पर्सन जो भी हो बट उसकी गुडविल थी, गलत कामों में कुख्यात था वो, बहुत ज्यादा नोटोरियस पर्सनैलिटी के नाम से बहुत ज्यादा औरंगजेब फेमस था। तो अब ऐसे ही उस टाइम पे रूल चल रहा था, बट जैसे ही औरंगजेब मरा मुगल शासकों का तो बंटाधार हुआ ही हुआ, दिल्ली सल्तनत मुगल शासकों सबका बंटाधार हो गया, सब बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे धीरे 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 करके अंग्रेज आने लग गए और धीरे धीरे करके अंग्रेज इतने आए कि उन्होंने पूरे ही इंडिया पे कब्जा कर लिया। तो उसके बाद ना यहाँ पे भी जब हम ये पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत शॉर्ट वीडियो में निपट जाएगा, बहुत छोटा है, इनके बारे में इन्होंने कुछ करा ही नहीं, बट जहाँ पर हम ये अंग्रेजों का पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि अंग्रेज लोग जो थे कितना दिमागदार थे, मतलब पॉलिसीज बनाने में तो नंबर वन, मतलब कितना ज्यादा उनमें दिमाग था कि इतने से लोगों ने इतने सारे लोगों पे रूल करा, ठीक है, कितनी सारी, इतना सा है ब्रिटेन कहने के लिए, लेकिन इतनी सारी कंट्रीज पे उसने रूल करा, इवन कि अमेरिका भी कभी उसका गुलाम था अंग्रेज का। कहते हैं ना कि जो ब्रिटेन का जो सूरज है वो कभी अस्त नहीं होता, मतलब इतने सारे ब्रिटेन ने इतने सारे रूल कर रखा था, इतने सारे देशों को अपना गुलाम बना रखा था कि कहीं ना कहीं सूरज सुबह हो रही होती थी, कहीं रात को, कहीं ना कहीं सुबह जरूर हो रखी होती थी, इतने ज्यादा फैले हुए थे वो। खैर अभी इस वीडियो में हमने अंग्रेजों का गुणगान नहीं करना है, हमने बुराई करनी है औरंगजेब के आने वाले बच्चों की। ये औरंगजेब देखो ये मुगल शासक थे, वो जैसे भी थे बट वो यहाँ पे रूल कर रहे थे तो इंडिया का पैसा लगा के इंडिया में ही तो लगाया ना उन्होंने। उन्होंने लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाई, कुतुब मीनार बनाया, हुमायूं का मकबरा बनाया, ये सारे दिल्ली में ही है। तो ये क्या चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम आज भी फायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट जब हम इनको घूमने जाते हैं तो गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है, गवर्नमेंट को इससे इनकम आती है, पैसे मिलते हैं, कितने सारे इनकम है। और यहीं पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, कोई टिकट पे बैठा है, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो जो ये मुगल शासक थे, चलो ये जैसे भी थे, इन्होंने इंडिया पे रूल करा, लड़ाई करी, बट यहाँ का पैसा यहीं पे तो रखा, यहीं पे तो बनाया, ऐसा थोड़ी तो यहाँ से पैसा उठा के अपने अरब की साइड देके आ रहे हैं जहाँ के वो लोग थे। लेकिन इन अंग्रेजों ने तो क्या करा, ये यहाँ का पैसा ले ले करके ये भार दे करके आए हैं, भार से अपनी कंट्री को डेवलप करा, जहाँ पे जिसका कोई दूर तक नामो निशान नहीं होता अगर आज इंडिया उसका गुलाम नहीं होता तो, क्योंकि इतना पैसा था ना इंडिया के पास, इतना पैसा, और अंग्रेजों ने लगातार 200 साल इतने बढ़िया से इंडिया को लूटा है ना कि पूछो मत, यहाँ से ले लेके चीजें वहां दे करके आए हैं। तो इससे हमारा सिर्फ नुकसान ही हुआ है, हमें कुछ मिला नहीं, बट फिर हम इसमें बुराई करने वाले हैं औरंगजेब के बेटे की, क्योंकि इनके बस की कुछ थी नहीं, क्योंकि इस वजह से ही अंग्रेज यहाँ पे जो है अपने पैर पसार पाए और आ पाए। इस वीडियो में अंग्रेजी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आगे से हमने अंग्रेजों के बारे में ही पढ़ना है। तो जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो औरंगजेब ना बहुत उम्र में मरा था, मतलब समझ लो उस टाइम पे वो 90-91 साल का था, वो बूढ़ा हो चुका था। तो उसके बाद उसका जो बेटा राजा बनता है ना, वो बनता है बहादुर फर्स्ट, ठीक है, बहादुर फर्स्ट राजा बनता है, 1707 से 1712 तक का राजा बनता है, 5 साल का टाइम पीरियड होता है। तो जब ये राजा बनता है ना, देखो इसका फादर जो था खुद 90 साल की उम्र में मर रहा है, तो बेटा भी तो बड़ा ही हो गया होगा ना। तो जब ये राजा बनता है ना, ये खुद 60 साल का होता है, मतलब एक बात खुद बताओ, एक यंग पर्सनैलिटी है 30-35-40 साल का, वो राजा बन रहा है, उसमें कितना जोश होगा, कितनी एनर्जी होगी, कितना दिमाग काम करेगा, हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसको क्या पता, 60 साल में राजा बन रहा है, कहाँ ये कहाँ किसी से लड़ाई लड़ने जाना है, क्या करना है, छोड़ो। तो इसको ना एक नाम फेमस है, इसको बोला जाता है शाहे बेखबर, ठीक है, इसको बोला जाता था शाहे बेखबर, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है बंदे को कोई मतलब नहीं, अंग्रेज आ रहे हैं फैक्ट्री बना रहे हैं, देखो 1708 में सबसे पहले फैक्ट्री बननी शुरू हुई थी अगर आपको याद है, सूरत में से फिर वो हटवा दी गई थी, फिर बाद में जाकर उन्होंने बंगाल की साइड बनाई थी अपनी, है ना, तो इस टाइम पे वो काम हो रहा था इसके टाइम पे, बट भाई साहब ये शाहे बेखबर थे। देखो ये भी जो है ना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये शाह आलम सेकंड इंपॉर्टेंट है, बट मैं फिर भी ना आपको करवा रही हूँ कि मतलब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि औरंगजेब के मरने के बाद क्या क्या चीजें हुई कि जिस वजह से हमारी इतनी बुरी हालत हो गई, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज ये सारे लोग ना इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं बता दूं उसका नाम था, एक फेमस था शाहे बेखबर, अगर इन केस क्वेश्चन आ जाए तो आप टिक लगा देना, ठीक है। तो बहादुर फर्स्ट का था, 1707 से 1712 तक चला, इसका था शाहे बेखबर, खुद ही बूढ़ा था और उसके बाद ही इसकी डेथ हो जाती है, खुद ही मर जाता है, नेचुरल डेथ मरता है, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा बनता है, ये सारे अंग्रेज के मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे बच्चे 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 चलते जा रहे हैं, बीच में किसी ने बस की नहीं आई कि आके लड़ाई कर जाए और इनको हरा के राजा बन जाए, नहीं, पूरा मुगल शासक चलेगा। अभी फिर जहांगीर सेकंड बना 1712 से 1713
13 तक बना, इसको बोला जाता था लंपट मूर्ख। ये तो लंपट मूर्ख है क्योंकि ये शायद जब बैठा ना तो उल्टे सीधे काम करने लगा, डिसीजन लेने लगा। तो सारे जो लोग वहां के होंगे ना आसपास के, कह रहे भैया क्या बावला इंसान है ये, लंपट मूर्ख है पूरा का पूरा, कुछ अक्कल ही नहीं बंदे को। तो इसको फेमस कर दिया लंपट मूर्ख के नाम से कि ये लंपट मूर्ख, ठीक है। इसके बाद है फरुखसियर। फरुखसियर इतना बेवकूफ इंसान, इतना ज्यादा बेवकूफ इंसान, इस बंदे से कुछ पूछो मत। इतने इसने इतना बेवकूफी वाला काम करा। देखो पहले तो इसका फेमस नाम बता दूं, ये था घृणित कायर। ये कायर तो था, मतलब कायर तो था, बट इतना ज्यादा कायर था कि इससे घृणा करनी चाहिए, कि इतना घृणा करने वाला कायर था, ये घृणित कायर था। अब देखो फरुखसियर ने क्या करा। फरुखसियर राजा बना था 1713 से 1719 तक, और ये बात है 1717 की। 1717-18 में क्या हुआ, इसको ना कोई बीमारी हो जाती है। अब ये कौन है, ये दिल्ली का राजा है, मुगल शासक है। दूर दूर से लोग आते हैं, ईरान से लोग बुलाए जाते हैं, जो भी आसपास के एरिया है, अफगानिस्तान से लोग बुलाए जाते हैं, श्रीलंका के पास से लोग बुलाए जाते हैं कि आओ भाई इसका इलाज करो। दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे चिकित्सक थे, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे चिकित्सक थे, बहुत जगह से लोग आते हैं इन भाई साहब का इलाज करने, बट इनकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो पाती, ठीक है। फिर अब क्या, अब बारी आती है अंग्रेजों की। अब देखो अंग्रेज आए थे यहाँ पे, फैक्ट्री व्यापार करने आए हैं, अब कोई मजाक की बात तो है नहीं, ब्रिटेन से आ रहे हैं, 2 दिन में वापस चले जाएंगे। तो ये लोग अपने पास सब लाते थे, अपनी फैमिलीज लेके आते थे, अपना डॉक्टर लेके आते थे, मतलब जो भी इनको जरूरत का सामान था पूरा का पूरा बसने के पर्पज से आए थे। पहले तो नहीं आए थे, बट इस टाइम तक सोच चुके थे कि यहाँ चलो बसना है। तो जब अंग्रेज लोग अपने साथ यहाँ पे आते हैं ना, तो अंग्रेजों का डॉक्टर लेके आते हैं, और वो डॉक्टर क्या करता है, फरुखसियर जी की बीमारी ठीक कर देता है, बिल्कुल फरुखसियर जी को बिल्कुल ठीक कर देता है। और फरुखसियर इतना खुश हो जाता है, ओहो जो काम इंडिया के लोग नहीं कर पाए बाहर वाले ने कर दिया, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं क्या करूंगा। इसने क्या कहा, अब मैं तो करूंगा टैक्स माफ, मैं तो इन लोगों को करूंगा टैक्स माफ। भाई मुझे कोई ठीक नहीं कर पाया, इन लोगों ने मुझे ठीक कर दिया, वाओ कितने ग्रेट है ये अंग्रेज। तो इसने क्या करा, इनने क्या करा, इनको ना करीब मान लो उस टाइम के रुपयों की बात बता रही हूँ, इनको ना करीब 3000 रुपए देने पड़ते थे उस टाइम पे, एक मंथ के करीब एज अ टैक्स। उस टाइम पे बंगाल में काम करने लग गए थे अंग्रेज लोग, इसको ना 3 साल का टैक्स देना पड़ता था, 3000 रुपए में भी 1 साल का। तो इसने क्या करा, और जहाँ पे इसको तो 3000 रुपए देने थे मुगल शासक को, जो राजा बना हुआ है उसको 3000 देने थे, बाकी कहीं पे भी ये टैक्स वगैरह करने जाते होंगे, जैसे जो अभी लगता है कस्टम टैक्स है ना, सीमा शुल्क टैक्स जो लगता है, और सेल्स टैक्स, जीएसटी टैक्स, कितने सारे टैक्स लगते हैं। तो उस टाइम पे भी था, तो उस टाइम पे अंग्रेजों को क्या था भाई, 3000 का एक फिक्स अमाउंट देना है हर महीने मुगल शासक के पास, बाकी जो हर जगह इनको जीएसटी वगैरह जो भी लग रहा है वो इनको देना है। फरुखसियर ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं दोगे, अब तुम्हें कुछ नहीं देना। इसने क्या करा बेवकूफ इंसान ने, कि उसने कहा अंग्रेजों से कि तुम 3000 रुपए सिर्फ पूरे साल के दे दो, ठीक है। कहा उसको 36000 रुपए मिल रहे थे पूरे साल के, उसने कहा 3000 रुपए सिर्फ, मात्र 3000 रुपए मुझे दे दो, मेरे खाते में 3000 रुपए आ जाए बस, मुझे उसके सिवा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और उसके अलावा पूरे इंडिया को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पूरी जगह इसने ना व्यापार कर दिया फ्री, कि तुम कहीं पे भी जाके व्यापार करो, मेरा आदेश है, मैं मुगल शासक हूँ, मेरा आदेश है तुम पूरी इंडिया में जाके कहीं भी व्यापार करो, तुम फ्री हो। तो यहाँ से क्या हुआ, अंग्रेजों के ना पैर पसरने शुरू हो गए, वो बंबई भी जाने लग गए, वो सूरत की साइड भी जाने लग गए, वो नीचे भी फैलने लग गए हर जगह, क्योंकि देखो पहले वो बंगाल में है, बंगाल में उनको करना है तो टैक्स देना है, दूसरे शहर जाना है तो वहां पे टैक्स देना है, अब तो वो फ्री है ना। तो मान लो कि मेरे को जहाँ इस एरिया में टैक्स देना, मैं यहाँ पे व्यापार कर रही हूँ, बट मेरे लिए यहाँ फ्री है, यहाँ फ्री है, यहाँ फ्री है, यहाँ फ्री है, हर जगह फ्री है, तो मैं सिर्फ यहीं पे क्यों रुकूंगी, मैं यहाँ पे भी अपनी सेल करूंगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह ऑब्वियसली हर कोई बंदा यही करेगा। तो सेम अंग्रेजों ने भी स्टार्ट करा कि और प्रोडक्ट फैलाओ, और बढ़िया करो, और सेल्स करो। तो इन्होंने इस वजह से करा था, और इन्होंने बहुत बढ़िया रोल निभाया अंग्रेजों को यहाँ पे बढ़ावा देने में, इतने से रुपए दे दो, इतना वो लोग कमा रहे हैं इंडिया से, इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, इतना सा हमें दे दो और तुम फ्री। यहाँ से उनकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई, अंग्रेजों के निकाल के दिखा देते, ये देखो मुगल फरमान है, हमें तो टैक्स नहीं देना, बस यहाँ से उनको फ्री हो गया था। मुगल शासक का आदेश कौन मानेगा, भले ही कुछ नहीं कर रहा। अब इसके बाद क्या था, चौथा आया था महमूद शाह रंगीला। ये अपने नाम के अनुसार बहुत ही ज्यादा रंगीले थे, इसलिए इनका नाम भी यही है, इसलिए रंगीला पड़ा। नाम तो था इनका महमूद शाह, बट इनका नाम पड़ा रंगीला, बाकी आप समझ सकते हो अपने नाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रंगीले थे। इन्होंने काफी टाइम तक रूल करा, सिर्फ रूल करा, काम कुछ नहीं करा इन्होंने, सिर्फ रूल करा 1719 से 1748 तक। तो इसी टाइम पे ना क्या हुआ था, नादिर शाह का ना यहाँ पे आक्रमण हुआ था, नादिर शाह ने यहाँ पे आक्रमण करा था, और ये कब करा था, 1739 में इसने आक्रमण करा था, और इसको बोला जाता है ईरान का
नेपोलियन या फारस का नेपोलियन, नाम एक ही है, अब ईरान हो गया, पहले फारस था, फारस का नेपोलियन इसको बोला जाता था नादिर शाह ने। अब नादिर शाह देखो बाहर से एक इंसान आके यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो ये नहीं कि लड़े या लड़े नहीं, सामने ही नहीं उतरे भाई साहब, डर के बैठ गए चुपचाप, हार मान ली पहले ही। वो आया पता नहीं कहाँ पे छुप के बैठा, नजर ही नहीं आया, दिखाई नहीं, लड़ने की जगह अपनी सेना भेजने की जगह नहीं, रंगीला मजाज था ना इनका। तो उन्होंने क्या करा, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, इसको इम्पोर्टेंट है, ईरान का नेपोलियन या फारस का नेपोलियन बोला जाता था, ये यहाँ से तख्ते ताउस उठा के ले गए। तख्ते ताउस जो शाहजहां ने बनवाया था गद्दी पे बैठने के लिए, दिल्ली में लाल किला बनवाया, उसमें तख्ते ताउस रखा, उसमें बैठते थे, वो उठा के ले गए। और वो जो कोहिनूर लाके उनको मिला था वो भी ले गया नादिर शाह, नादिर शाह ये दोनों चीजें यहाँ से उठा के ले गया। ठीक है, अब इस तरीके से करके किसी तरीके से 41 साल निकल गए यहाँ पे औरंगजेब के मरने के बाद, 41 साल। अब इसके बाद आते हैं हमारे शाह आलम सेकंड। देखो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का बेस यहाँ पे बसने का कैसे बना। अभी हम पढ़ते हैं कि शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर ना बक्सर के युद्ध की करा था, बक्सर का युद्ध यानी बक्सर की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। बट ये तीन लोग थे और उस तरफ अंग्रेज थे, इधर इन तीनों की सेना और उधर अंग्रेज, बट ये लोग हार गए थे बक्सर के युद्ध में, ये लोग अंग्रेजों से हार गए थे। तो शाह आलम सेकंड कौन था, मुगल शासक, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला। सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, मीर कासिम बंगाल का नवाब था। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी 1764 में, बक्सर का युद्ध हार गया, इसने बाद में संधि स्वीकार कर ली, अंग्रेज जी जैसा आप बोलो हम वैसे करेंगे, जो आप बोलो, कठपुतली बन गया वहां से अंग्रेजों की। वो उसको कुछ पैसा देने लगे कि हम तुझे इतना दे रहे हैं पेंशन, ऐसा पेंशन कुछ पैसा तेरे को दे रहा है, ले इतना, चुप करके बैठ जा, इससे ज्यादा फालतू मांगने की ना जरूरत नहीं है, इतना ही मिलेगा। अकबर सेकंड ने अपने भी यहाँ पे राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा कि भाई जा मेरी पेंशन बढ़ाने की बात करके आ। तो राजा राम मोहन राय जी इंग्लैंड गए थे और बोले कि देखो हमारा जो राजा है वो ना रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज थोड़ी सी पेंशन बढ़ा दो। तो अंग्रेजों ने कहा कि चल ठीक है, तो इंडिया से आया है, इतनी दूर से इंग्लैंड आया, चल जब पेंशन बढ़ा देते, जब थोड़ी पेंशन तुम्हारी हमने बढ़ा दी। ठीक है, इसके बाद चलो 1837 तक चले, फिर 1837 से 1857 तक 20 साल तक रूल कर रहा था बहादुर शाह जफर ने, या बहादुर शाह सेकंड भी इन्हें बोला जाता है, गोरे बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड थे इनको बोला जाता है, बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक थे, इसके बाद कोई भी राजा नहीं बना। अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि अब कोई भी गद्दी पर नहीं बैठेगा, हम गद्दी संभालेंगे, हम यहाँ के राजा हैं। तो लाल किले पर और दिल्ली पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, जो बाहर से बस यहाँ पर आए थे कि हमें थोड़े सा व्यापार करने की जगह दे दो, इस तरीके से उन्होंने पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया और साथ साथ पूरे भारत पर भी। अब ये बड़ी तीव्र गति से फैलेंगे हर जगह, इंडिया में हर जगह बहुत तेजी से फैलेंगे, बट डिस्कस करेंगे बाद में। अभी पढ़ते हैं थोड़े बहादुर शाह जफर सेकंड को, ये 1837 में राजा बने। जब ये राजा बने ना बहुत बूढ़े हो चुके थे, इनमें इतनी शक्ति थी नहीं कि लड़ाई वगैरह लड़े। तो क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को ना 1857 में एक क्रांति हुई थी, अगर आपको याद हो, हम उसको इसी को नामते हैं 1857 की क्रांति, है ना, बहुत फेमस है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, कितने सारे नाम है, नाना कुंवर सिंह, नाना साहेब, बहुत सारे नाम है। 1857 की क्रांति हुई थी, तो उनको लीड किसने करा था, बहादुर शाह जफर ने। तो आपको पता होगा मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, इसमें नहीं पढ़ना है वो भी, बट एक बना रही हूँ बेस ताकि ना आप चीजें कनेक्ट कर पाओ कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, तो वहां से ये सब स्टार्ट हुआ। ये टुकड़ी मेरठ से आई थी दिल्ली, उन्होंने बोला बहादुर शाह जफर आप हमारे राजा हो, आप बस हमें लीड करो, लीड भी मत करो, आप ना बस नाम दे दो कि हाँ आप क्रांति कर रहे हो, आप हमारे लीडर हो, बाकी हम संभाल लेंगे। तो बस एक नाम ले दिया कि हाँ बहादुर शाह जफर हमारे साथ है, सेकंड लीड कर रहे हैं ये हमें, और हमारे नेता हैं ये, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो बढ़िया चला सब कुछ, लड़ाई वड़ाई भी करी, बट एट दी एंड 1857 की क्रांति जो है वो सफल नहीं होती, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तारीखों पे की गई, तो वो सफल नहीं हुई। अगर एक साथ की होती तो वो हो जाती, बट 1857 की क्रांति को अगर से एक अलग से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है, अंग्रेज लोग जो है आ जाते हैं और बहादुर शाह जफर को बोलते हैं कि तूने इसको लीड करा है ना क्रांति को, तेरी वजह से क्रांति हुई है ना, तूने लीड करा है और तूने पूरे इंडियंस को हमारे खिलाफ भड़काया, तो ये तेरी सजा है। और इसको पकड़ के मांडे जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पे इसकी मौत हो जाती है, थोड़े टाइम के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है मांडे जेल में।
और रंगून में ही इनका मकबरा है, क्योंकि ये जो है ना मांडे जेल वहीं पर है, रंगून में इनका मकबरा बनवाया गया, किनका, बहादुर शाह जफर का, सेकंड का। आपको पता है जब अंग्रेज लोग आ रहे होते ना दिल्ली पे कब्जा वगैरह करने, तो दिल्ली लाल किले में रहते थे लोग, लाल किले के ठीक पीछे बहती है यमुना नदी, तो यमुना नदी में बैठ के कहते हैं जाके ये लोग हुमायूं के मकबरे में जाके छिप जाते हैं, और अंग्रेज लोग क्या करते हैं हुमायूं के मकबरे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अंदर से सारे लोगों को पकड़ के ले आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बहादुर शाह जफर का जो चैप्टर है ना वो क्लोज हो जाता है पूरी तरीके से, और इसी के साथ हमारी मध्यकालीन भारत भी खत्म हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इनको ना क्या करते हैं, जब इसके घर वाले फैमिली वगैरह को पकड़ लेते हैं ना, तो इनके बच्चों को भी पकड़ा जाता है। इनके दो लड़के होते हैं, बहादुर शाह जफर को ऐसे हाथ में बता कैदी वैदी मतलब चेयरमैन बना के ऐसे कैदी घर के पीछे हाथ रखा जाता है, और इन्हीं के सामने अंग्रेज लोग इनके दो बच्चों के ना सर काट देते हैं। उनके दो बच्चे होते हैं, उनमें से एक उत्तराधिकारी बनता, तो ये क्या करते हैं इसके बच्चों के ना सर काट देते हैं उसी के सामने, कि तेरे को नहीं हम मार रहे, तेरे को नहीं हम सजा दे रहे, तेरा नहीं सर काट रहे, तू जिंदा रहेगा और तू इतना बूढ़ा है, तू अपने बच्चों की याद में मरेगा, तू बच्चों की याद में रो रो के मरेगा, तूने इतना बुरा करा हमारे साथ, तूने क्रांति को जन्म दिया, तूने क्रांति लीड करी। तो ये क्या करते हैं उसको पकड़ के इसके बच्चे को इसके सामने मार डालते हैं, और बच्चा खत्म, उत्तराधिकारी खत्म, और यहाँ से ही जो है ना वो घोषणा कर देते हैं अंग्रेज लोग कि अब अगले राजा हम बनेंगे, हमारा रूल चलेगा। तो यहाँ से 1857 से जो है वो मध्यकालीन भारत खत्म होकर आधुनिक भारत का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है।